दर्शनीय स्थलों के आकर्षण से भरपूर गोवा भारत के पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा राज्य है जो अरब सागर के साथ समुद्र के किनारे फैला है। आप इस वीडियो में जानेंगे गोवा के बारे में, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे इस एपिसोड के साथ। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस अद्भुत जगह को देखकर आप एक बार गोवा जाना जरूर चाहेंगे। गोवा भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और वास्तव में इसे भारत का फन कैपिटल कहा जाता है। इसके रेतीले समुद्र तट, जीवंत नाइट लाइफ और विश्व धरोहर वास्तुशिल्प स्पॉट हर साल 2 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हाँ, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से। उत्तर से दक्षिण तक केवल 75 मील और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 50 मील की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का क्षेत्र है। गोवा पर 1961 तक 4 शताब्दियों से अधिक समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा, जब भारत सरकार ने गोवा के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप सैन्य अभियान शुरू किया। पुराने गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष 400 साल पुराने हैं और अभी भी एक गैर विघटित अवस्था में है। 1956 में गोवा में सेंट पॉल कॉलेज में एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया। भारत में राष्ट्रीय औसत के 2.5 गुना प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले भारत में गोवा सबसे अमीर राज्य है। भारत का पहला मेडिकल स्कूल पणजी गोवा में 1842 में स्थापित किया गया था, हालांकि इसे 2004 में ध्वस्त कर दिया गया। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, कोंकणी और मराठी। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया सम्मान नागरिक संहिता लागू है। गोवा एशिया के अद्वितीय नौसेना उड्डयन संग्रहालय का घर है, क्योंकि ये नौसेना उड्डयन के इतिहास और विरासत को संरक्षित करता है। इसके अलावा संग्रहालय में 15 से अधिक प्रकार के विमान है और विमान अवरोधकों की एक विस्तृत श्रृंखला है। गोवा भारत के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आप एक दोपहिया वाहन टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सामान्य रूप से पायलट के रूप में जाना जाता है। ये मूल रूप से एक मोटरसाइकिल है और ड्राइवर आपको चार्ज करेगा और आपको आपके गंतव्य तक छोड़ देगा। गोवा में बार की संख्या काफी है। शराब परोसने के लिए गोवा में 7,000 से अधिक लाइसेंस प्राप्त बार है। अब बिना लाइसेंस वाले सलाखों की संख्या के बारे में अनुमान लगाएं कि कितना फल फूल रहा होगा। उड़ीसा के बाद भारत में गोवा दूसरा राज्य है जहां विश्व प्रसिद्ध जैतून के कछुए अपने अंडे देने के लिए मोर्जिम आते हैं। तो ये थे गोवा के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। अब आपको इस वीडियो को जरूर से 5 लोगों के साथ शेयर करना है और आगे फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।